सर, क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ के रहने वाले आप? रुड़की मुगला नवर शहर। क्या गवाही आपने लिखा कि पिछले 14 साल से आपको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था? क्या क्या होता था बताइए आप। आपने लिखा कि आपको डरावने सपने आते थे और इतना ज्यादा डर लगता था कि आप वॉशरूम तक भी अकेले जा नहीं पाते थे। हाँ जी। और घर में आपके हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, आप चिड़चिड़े रहते थे। क्या होता था जब आप सुबह उठते थे तो? मेरे नील पाई उन्दे सी थे, रात में मैंने बहुत ज्यादा डर लगता उन्दे सी का। और आपने लिखा कि उसके बाद 2014 में आपकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो और भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण आपको बताइए आप। घर में लड़ाई झगड़ा रहता सी का, ते कोई भी काम करना था ते मैं लड़ाई करने लग जाती उन्दे सी की। और इन्होंने लिखा कि जब इन्होंने बेबी का प्लान किया और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जब आपने डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया, क्या कहा डॉक्टर ने आपको? मेरे टेस्ट तो नॉर्मल आए थे, हस्बैंड के रिपोर्ट थोड़ी सी, क्योंकि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये बताया कि उनके जो शुक्राणु है वो केवल 10% बनते हैं, बाकी 90% वो डेड है। सिर्फ 10% शुक्राणु बनते हैं जिस कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी। क्या हुआ, आपने लिखा कि एक दिन आपके मोहल्ले में किसी लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, क्या हुआ उसके बाद? जब एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? मेनू दिखाई देता सीगा सपने रही। आप इनके हस्बैंड को माइक देना। ब्रदर आप बताइए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने लिखा कि आपको 2 हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्होंने एडमिट नहीं किया यानी जवाब दे दिया आपको। तीसरे हॉस्पिटल में जब आप गए तो क्या कहा डॉक्टर ने आपको चेक करके? डॉक्टर ने मेरे को डेड करार कर दिया कि ये बिल्कुल डेड है, शुगर पे ले जाओ। डॉक्टर ने बोला कि ये डेड है, उन्होंने डेड करार आपको दे दिया। क्या क्या हुआ MRI वगैरह की, जो उसमें क्या बताया उन्होंने? उसमें बताया उन्होंने कि इसके सिर में खून जमा हुआ है, जे कोमा में जा चुका है, कोमा में बाहर आने के बाद इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर ने आपको डेड डिक्लेयर कर दिया था उस समय जी, ये बंदा, ये व्यक्ति मर चुका है, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया था आपको जी। और क्या हुआ, आपकी वाइफ ने जब अनॉइंटेड ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया तो? अनॉइंटेड ऑयल अप्लाई किया तो मैं कोमा से बाहर आ गया। कितना समय आप कोमा में रहे? तकरीबन 14 दिन। 14 दिन आप कोमा में रहे। और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने 3 साल बोला था। डॉक्टर ने बोला क्या कि 3 साल तक ये कोमा में या 3 साल से भी ज्यादा ये कोमा में रहेंगे, लेकिन जब अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया, डॉक्टर ने 3 साल बोला था लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर ये भाई कोमा से बाहर आ चुके थे। yes. उस चीज से पूरी तरह से परमेश्वर ने इस भाई को फ्री किया, आजाद किया। yes. और आप बताइए कि जब आप डॉक्टर ने आपको कितने आपके कितनी मेडिसिन लगती थी एक दिन में? एक दिन में तकरीबन 10,000 की मेडिसिन लग जाती थी। और टोटल कितना पैसा आपने दवाइयों पर खर्च कर दिया था? 5 से 6 लाख। आपके जो डॉक्टर जिनके पास आप इलाज करवाते थे उन्होंने आपको पागल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि आपको पागलपन के दौरे भी पड़ने शुरू हो चुके थे जी। जी, क्या क्या होता था जब पागलपन के दौरे पड़ते थे? पागलपन के दौरे पड़ते थे तो मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, एक दूसरे सामान तोड़ फोड़ करता था। क्योंकि जब आपने MRI करवाई थी उसमें आया था कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में खून जमा हुआ है, ब्लड जमा हुआ है जी। और आप घर का सामान तोड़ देते थे, पागल बन के आपको दौरे पड़ने लगे, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट, यही काम आपके घर में रह चुका था जी। और टोटली आप बेड के ऊपर थे जी दासी। कितना समय बेड पर रहे आप? 3.5 महीने। 3.5 महीने। फिर उस समय टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? टॉयलेट बाथरूम मेरी वाइफ मेरे फैमिली उठाती थी। चर्च कब आए थे आप? चर्च अप्रैल महीने में चर्च आए थे हम। और आपने लिखा है कि जिस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे, कैसे आपको लेकर आए थे चर्च में? मेरे को अपनी गाड़ी पर लेकर आए थे, व्हील चेयर पर लेकर आए थे। व्हील चेयर के ऊपर आपको चर्च के अंदर आपको लेकर आए थे जी। और 1 मार्च 2018 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस प्रार्थना को अपने स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। चलिए अंदर जिसकी सेक्शन है परमेश्वर आत्मा द्वारा टच कर रहा है इससे पहले और दिल्ली हैंड करो या अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, परमेश्वर आत्मा उन्होंने छू रहे हैं। और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को भी आपने अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? उसके बाद मेरे को शिफा मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप उसी दिन, क्योंकि जब जिस दिन आप चर्च में आए थे आपको व्हीलचेयर पर चर्च में अंदर लेकर आए थे, लेकिन जिस दिन उसी दिन आपने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने
उसी दिन आपको हील किया, उसी दिन आपको फ्री किया। आप चल के दिखाइए, चलिए जरा, चलिए 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 चले चले, तारीफ करें जोर से, गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें गवाही के लिए जोर से। ये भाई 3.5 महीने पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था कि ये व्यक्ति मर चुका है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो भाई, वो ब्रदर बिल्कुल हील होकर आपके सामने गवाही के साथ खड़े हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी 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 वाइफ की टेस्टिमनी को भी सुनते हैं। इन्होंने लिखा कि सिस्टर आप बताइए क्या गवाही आपकी, आपने लिखा कि आपकी मैरिज के बाद आपको प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं हो पा रही थी और आपके जो पड़ोसन थी उनके 9 साल से बेबी नहीं था, क्या क्या कहते थे वो आपको? आप खुद एक स्टाफ नर्स है जी। और आपके पड़ोसन एक बहन है जो आपसे प्रेगनेंसी के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए आते थे जी। और उनके 9 साल से बेबी नहीं था, क्या बताते थे आप उन्हें? मैं उन्हें अपने परमेश्वर का वचन दस दी थी, मैनू कहती भी तेरे तो कहीं हद तक होया नहीं हैगा, मेरे हस्बैंड वाले मंजे ते पे सी गए, एक्सीडेंट होया सीगा, ते मैं परमेश्वर ते नाम नु नीमा कर दिया, मैं तेरे नाम नु उच्चा करना चाहनी है, तू मेरे बेबी दी ब्लेसिंग दे। फिर क्या 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 हुआ उसके बाद? मेनू बेबी दी ब्लेसिंग मिली। आपने लिखा के 16 अगस्त 2018 को सेलिब्रेटिंग 14 ईयर इन क्राइस्ट मीटिंग में, जब आप चर्च में आप मीटिंग को देखने के लिए आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रहे थे, क्या बात डिस्कस कर रहे थे आप? मैं उन्होंने क्या सीखा, मैं कहा जी पापा ने आज ना 5 बारी कह दिया भी नॉर्मल रिपोर्ट साडियां, ते मैं कहा मेनू मिल जानी है आज ता, ते मैं दूए दिन पापा ने फिर 6 बारी मेनू नॉर्मल किया सीगा, ते मैं दूए दिन जाके अपने ब्रदर नु नाल लेके हॉस्पिटल लेके गई, ते रिपोर्ट नॉर्मल सीगियां। और आपके के क्या क्या हुआ उसके बाद प्रार्थना के बाद? प्रार्थना के बाद मेरी बेबी गर्ल दी ब्लेसिंग। आपने लिखा कि जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया नेक्स्ट डे यानी अगले दिन जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो 3.5 साल में पहली बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। हाँ जी। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाकर, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इन्होंने लिखा कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब इनको पीलिया हो गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके बेबी को खतरा हो सकता है, पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इनको सपने में परमेश्वर के दास और हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर के दास इनके सपने में आए, क्या क्या हुआ सपने में, उस सपने के बारे में बताइए।